वंदे मातरम, वंदे मातरम का नारा लगाकर सर पे पड़ने वाली लाठियों का दर्द सहकर अहिंसा को हथियार बनाकर महात्मा ने जो हासिल करके दिया है वो आजादी आज कहाँ है। भरे बाजार में गुंडे औरतों के कपड़े उतारते हैं, निर्दोष लोगों को बेदर्दी से गोली मार देते हैं, क्या यही आजादी है? शॉपिंग के लिए जाने वाले लाश बन के लौटते हैं, खुशी खुशी हनीमून करके लौटने वालों की हवाई जहाज में ही मौत हो जाती है, स्कूल जाने वाले बच्चों को किडनैप करके भारी रकम वसूल करते हैं, कॉलेज जाने वाली नौजवान लड़कियों का बलात्कार होता है, सियासत वाले और उनके गुंडे मिलके उनके खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए मासूम लोगों को बेदर्दी से मार डालते हैं और सारे देश में दहशत फैलाते हैं। वो अपने फायदे के लिए धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। ऐसे नेताओं को अब मैं बचने नहीं दूंगा। कानून के हाथ से ऐसे गुनहगार बच नहीं सकते। सत्ता हासिल करने के लिए देश में दहशत फैलाने वाले एक विपक्षी नेता के खिलाफ सारे सबूत मैंने इकट्ठे किए हैं। उस नेता के पीछे कौन कौन है और वो किसके लिए ये सब काम कर रहा है, उसका असली मालिक कौन है, ये सब मैं जान गया हूँ। वो जनता का नेता नहीं, भेड़ की खाल पहने हुए एक भेड़िया है। मैं उसे दुनिया के सामने नंगा कर दूंगा। मैं कल ही मुख्यमंत्री के सामने मेरे पास जो भी सबूत है उसे पेश करूंगा। नमस्ते। स्वामी जी कहाँ है? अंदर पूजा कर रहे हैं। प्रणाम नेताजी। प्रणाम। ऐसे का देख रहे हैं, वो हवन की आग में घी नहीं, हमको डालिए सारी परेशानी ओवर। कहा था कि हमको ले जाके सचिवालय में बिठाएंगे, लेकिन अब तो लगता है संजय जेल में बिठा देंगे। वो लोग सत्ता वाला सबूत के साथ मुख्यमंत्री से मिलने आ रहा है। कैसे आ रहा है वो? सरकारी बस में आ रहा है। सरकारी बस में सफर करना है तो सब्र को अपने साथ ले चलो। कैसा है पापा ये कैप्शन? बस में भी तुझे जर्नलिज्म सूझता है अंजलि। बस को जाने दो भाई। ए, एक और स्टॉप। अब यदि हमने कुछ किया तो पूरी दुनिया का शक हम पर ही हो जाएगा। अब क्या करें? एक कोड़ाओगे तो मर्डर कहलाएगा। पूरी बस को उड़ा दे तो एक्सीडेंट कहलाएगा। स्माइल प्लीज। बच्चों एक सवाल पूछता हूँ। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? नहीं मालूम। नहीं मालूम? सुनो मैं बताता हूँ, चंद्रशेखर आजाद। क्या गांधी जी के गुरु आजाद थे? तब तो आप पैदा भी नहीं हुई थी। मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी मगर मैं तो पैदा हुआ था ना। तुम बताओ गांधी जी के गुरु कौन थे? सिफारिश के बलबूते पर नौकरी हासिल करने वाला तू ये क्या बताएगा? देखो बच्चों, गांधी जी के गुरु थे गोखले। हाँ। आजाद नहीं। तो आजाद कौन थे? उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर आजाद। आजाद का मतलब है स्वतंत्र। जब उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ा और नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम चंद्रशेखर नहीं कहा, आजाद कहा। क्या कहा था? हमारे झंडे के आगे सिर झुकाओ तो माफ कर देंगे कहा। तब उन्होंने हंसते हुए आजाद कहा। क्या कहा? आजाद कहा। हमारे पैर पड़ो तो तुम्हारे प्राण बख्श देंगे कहा। पैर पड़ने से मरना बेहतर है कहकर खुद ही अपने प्राण ले लिए थे उन्होंने। भाई साहब उन्होंने मरते समय क्या कहा था जरा ये भी बताइए। ये तो बच्चे भी बता सकते हैं। बताओ बच्चो।
सर, बस एक्सीडेंट में 22 लोगों के मर जाने की खबर बीबीसी ने फ्लैश की है, लेकिन वो कोई एक्सीडेंट नहीं था सर, हत्या थी। जाति दुश्मनी की वजह से सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए पूरी बस को बम से उड़ाया सर। उसी एक्सीडेंट में घायल हुए मेरे पिताजी हॉस्पिटल में कोमा में है सर। ये सब करने वाला कोई और नहीं, देवा का भाई था, हिंदू सेवा समिति के नाम से लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला वही देवा। कल सुबह के अखबारों में ये तस्वीरें आनी चाहिए। धर्म की आड़ में दुनिया को धोखा देने वाले का पर्दाफाश कीजिए सर। लीजिए सबूत। आधारम सर्वम देवम। गीता में कृष्ण ने एक बात कही थी, मारने वाला मैं हूं, मरने वाला भी मैं हूं। कृष्ण ने मारा है, कृष्ण ही मरा है, फिर क्यों कहती हो हमने मारा है? जातस्य मरणम ध्रुवम। तुम गांधी को जानती हो? मोहनदास करमचंद, उन्होंने इस देश में 3 छोड़कर चले गए। उनमें से एक बंदर ने कानून बना लिया। बुरे लोग कानून की नजर में ना पड़े इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा बंदर कानून का पालन करता है, मासूमों के चीखने की आवाज वो सुनना नहीं चाहता इसलिए कान बंद कर लेता है। अब वो तीसरा बंदर जो है ना, वो बंदर तो कानून का रखवाला है, अपने मुंह से न्याय की बातें ना निकले इसलिए रुपयों के बंडल से अपने मुंह को बंद कर लेता है वो। ये सब ना जान के तू एक जनानी बंदर, वो भी जर्नलिस्ट, फोटो लेकर आई है और आज मेरे सामने खड़ी है। इसका क्या करें एडिटर? हाँ, इसकी फोटो खींचते हैं भैया। शर्म उत्तम कन्या का लक्षण है, बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हें हमेशा इसी तरह रहना है। देखो अब सिर्फ इन तस्वीरों को चला रहा हूं, बाद में ये दफ्तर, ये एडिटर, तेरा घर, तेरे डैडी, सबको, ये देवा, संभवामि युगे युगे। तुमसे तो माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूं मैं। हम अपने कलम और अखबार को हथियार बनाकर समाज की बुरी ताकतों से लड़ते हैं, लेकिन आज की जंग में ये सब बेकार है। इनसे मुकाबला करने के लिए किसी न किसी हीरो को तो आना ही पड़ेगा, लेकिन वो कब आएगा ये कोई नहीं जानता। मगर उसके आगमन की मन ही मन में कल्पना करके खुश होने के सिवाय हम और कुछ कर भी नहीं सकते। इनसे मुकाबला करने के लिए किसी न किसी हीरो को तो आना ही पड़ेगा, लेकिन वो कब आएगा ये कोई नहीं जानता। मगर उसके आगमन की मन ही मन में कल्पना करके खुश होने के सिवाय हम और कुछ कर भी नहीं सकते। तू एक्सीडेंट की आड़ में कत्ल कर सकता है, तो उसी एक्सीडेंट के नाम से तेरे आदमियों की जान भी जा सकती है। फिर कभी इस शहर में किसी गुंडे, मवाली या उग्रवादी ने सर उठाने की जुर्रत की
तो दिन दहाड़े बीच सड़क पर वो कुत्ते की मौत मरेगा। गुनहगारों को सजा आईपीसी के तहत नहीं एपीसी के तहत दी जाएगी। आजाद पीनल कोड। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा सैल्यूट किया जाता है? ठीक से सैल्यूट करना भी नहीं जानते तुम लोग। क्या चोरों को पकड़ गए? इंस्पेक्टर सलीम को हवलदारों का सैल्यूट नहीं, गुंडे मवालियों का सैल्यूट चाहिए, हैंड्स डाउन। कौन सा महीना चल रहा है? आदमी हो के पेट फुला के खड़े हो? नमस्कार दीजिए, बैठिए बैठिए बैठिए। कौन है ये सब? महिला मंडल से आई है? नहीं सर। हा? सर ये सब प्रोस्टिट्यूट्स हैं। अच्छा। व्यभिचार के जुर्म में इन सबको पकड़कर लाया हूँ सर। व्यभिचार जुर्म है ये तुमसे किसने कहा? आप पूरा मत मानिएगा। अगर धंधे वाली नहीं होती तो देश में माँ बहनों की आबरू कौड़ी कौड़ी के दाम बिक जाती। अब देखो, घर में बाथरूम अलग, पूजा का कमरा अलग होना चाहिए। बाथरूम का काम पूजा के कमरे में कैसे होगा ये बताओ? सत्य अनुसुईया की कहानी जानते हो? जानता हूँ सर। तो सुनाओ। अनुसुईया अपने कुष्ठ रोगी पति को कूड़े में बिठाकर सर पे ढोकर वेश्या के घर ले गई थी। गांव में वेश्याएं थी, इसी वजह से सत्य अनुसुईया पतिव्रता कहलाई। आप सब लोग जाइए। सॉरी फॉर द ट्रबल। एक्सक्यूज मी, आप लोग इन दो तीन घंटों में कितना कमा लेती? 2000। पहली तारीख को यहाँ आकर इसके तनख्वाह में से वो लेकर जाइए। हेलो। गुंडों को मार के शहर में अमन कायम करने की कसम खाई है इस आजाद ने। सबके मन में अब सिर्फ एक ही बात है कि आजाद जो पीड़ितों और शक्तिहीनों का रक्षक है वो कौन है और उसका अगला कदम क्या होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आजाद ने चिट्ठी छोड़ी है। आ गई पुलिस, हमेशा की तरह खून होने के बाद आ गई। जुर्म होने के बाद आने का क्या फायदा? अगर ऐसा रहा तो पब्लिक का क्या होगा? जर्नलिस्ट को क्यों मारते हो? अबे ओ, दो मिनट पहले तू जानता था कि मैं तुझे मारने वाला हूँ? नहीं। दो मिनट के बाद मैं तुझे फिर से मारूंगा, ये तू जानता है? नहीं जानता। मुझे बार बार क्यों मार रहे हो? बताता हूँ, सुन। इतना पास हूँ मैं, और मैं कौन हूँ तू जानता है। दो कदम की दूरी पर होने के बावजूद तुझे पता नहीं कि मैं तुझे कब मारने वाला हूँ, कब कौन कहाँ कब किसको मारने वाला, ये मैं कैसे जान सकता हूँ? ये जो आजाद है ना, उससे अभी सिर्फ ये लेटर ही मिला है, अब उसके बारे में तहकीकात शुरू होगी। वो अभी इस वक्त कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, ये सारी बातें सिर्फ उसे बनाने वाले ब्रह्मा को ही पता होगी। समझ गया? उल्लू का बट्टा। ए, सबको हटाओ यहाँ से। चलो चलो।
अपनी जान प्यारी है तो मेरी जान माँ लक्ष्मी को मेरे हवाले करो। ए, हनुमान जी का दिल चीरने से श्री राम जी दिखाई दिए थे, मेरा दिल चीरने से मेरी मंगेतर महालक्ष्मी दिखाई देगी। डायलॉग मुझे मत सुना, उधर देख। बेटा! माँ जी! हाँ, अब एक नजर वो भी देख। अरे कमीने, तो जैसे गुंडे को मेरा चंद्र कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मरने से पहले मैं तुझे अपना कर ही रहूंगा। ये इस जन्म में कभी नहीं होगा। मैं 7 जन्म तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब बोलो जाने मन, तुझे तेरा प्रेमी चाहिए, तेरी सासू चाहिए? और मुझे तेरी जान चाहिए। अरे महालक्ष्मी ही तो मेरी जान है। बेटा, तुम ठीक हो ना? जिस नाग देवी की मैं पूजा करती हूँ उसी ने हमें बचाया, देखा तुमने? उसी ने हमें बचाया। महालक्ष्मी चंद्रू, महालक्ष्मी चंद्रू, महालक्ष्मी। हीरो हीरोइन की शादी हो गई, हीरो हीरोइन की शादी हो गई, हीरो हीरोइन की शादी हो गई। अरे अरे बेटी लक्ष्मी, क्या हो गया? क्या हुआ बेटी, चिल्ला क्यों रही थी? एक विलेन ने मुझे और चंद्रू को अलग करने की बहुत कोशिश की। चंद्रू हीरो बन के आया और उसने दिशम दिशम किया। उस विलेन को उसी के सांप ने डस लिया और वो मर गया। फिर हम हीरो हीरोइन की शादी हो गई। हे प्रभु, हे भगवान, फिर से इसने शुरू कर दी। क्यों रे, तुझे कितनी बार कहा है वो केबल कनेक्शन काट दे और सारे वीडियो कैसेटों को फेंक दे। टीवी देख देख कर इसने अपना दिमाग खराब कर रखा है और हमको भी परेशान कर रही है। अगर ऐसा है तो मेरी और चंद्रू की फौरन शादी करवा दीजिए। तू तो हर पल चंद्रू चंद्रू कहकर सपने देखती है, लेकिन बहन बहन कहकर ही नींद से जागता है तेरा चंद्रू। गौरी, गौरी, गौरी आ जाओ, तेरा भाई जाग गया है। ए, अच्छी बहन भाई को सताया नहीं करती। आ भी जा, कहाँ है तू? मैं नहीं आऊंगी, तुम खुद मुझे ढूंढ निकालो। देख, तुझे पता है ना तेरा भाई तुझे देखे बिना आँख नहीं खोलता। चल जल्दी आ। ऐसा है तो मुझे ढूंढ निकालो। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। मैं आ रहा हूँ। गौरी जल्दी आओ ना बाबा, मुझे बहुत सारे काम है, प्लीज। ये गौरी नहीं है, ये तो मुझसे ऐसे चिपक रही है जैसे ये मेरी छिपकली हो। छिपकली बुलाते हो तो ऐसे चिपकूंगी कि याद रखोगे। अब बोलो चंद्रू, फिर बुलाओगे छिपकली? गौरी, गौरी मुझे बचाओ जल्दी आओ वरना सब कुछ चौपट हो जाएगा। गौरी जल्दी आओ मुझे बचाओ। गौरी, अरे यार रास्ते में चाकू किसने रख दिया? देखो मेरा कितना खून बह रहा है। भैया बचाओ, देखो कितना खून बह रहा है मेरा। तुम्हें क्या हुआ भैया, कहाँ खून आ रहा है, दिखाओ। देख लिया ना गौरी, आज भी मेरी ही जीत हुई है। तुझे अपने पास कैसे लाना मैं जानता हूँ। तुम मुझे धोखा देकर जीत गए हो। तुमने आज अरे अरे मेरी बहन, मत रो मत रो, तू कहती है तो मैं अपना हाथ काट लेता। ओए माँ, नहीं भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। क्यों रे, बहुत लाड़ कर रहा है अपनी बहन से? इसे अभी भी छोटी बच्ची समझता है क्या? हमारे लिए तो ये बच्ची ही है ना माँ। तो फिर इसे दूध की बोतल दे दे। हाँ ऐसे ही बोलिए माँ जी, तभी ये भाई बहन ठीक होंगे। ए छिपकली, मेरे बारे में कुछ भी कहो, मेरी बहन के बारे में कुछ बोला ना तो तुझे दीवार से चिपका दूंगा। ऐसे समझाओ भैया। ज्यादा मत बोल, और कितने दिन राज करेगी तू? एक बार मांग भर के मुझे इस घर में आने दे, फिर देखना, यहाँ सिर्फ महालक्ष्मी की ही हुकूमत होगी। ये सपना नहीं देखना, मेरी बहन जिसे चुनेगी ना उसी की मांग भरने वाला हूँ मैं। सुन गौरी, मुझे चाहे कोई भी प्यार करे, लेकिन मैं किससे प्यार करूंगा, किससे शादी करूंगा, इसका फैसला तू करेगी, ये छिपकली नहीं। गौरी, गौरी, मैंने अगर जोश में आके कुछ बक दिया तो उसे अपने दिल पे मत लेना। हाँ क्या बात है, मक्खन क्यों लगा रही हो? अच्छा तेरी भाभी कैसी होनी चाहिए बताना, ताकि मैं वैसी ही बन जाऊं। ना
मेरी जिंदगी है तेरे हाथ में जीने का रास्ता दिखा दे तू मेरी जानू जिगर तुम पे मैं हारी पूरी है ये मोहब्बत की बीमारी तेरे हाथ में जीने का रास्ता दिखा दे तू चलती रहे ये कहानी ये दोस्ती भी है पुरानी देना है तो प्यार देना सनम कभी चोदी की मुझको तमन्ना नहीं तुझको मेरी जिंदगी के कसम जान पर खेल कर भी बदलना नहीं चुली के पीछे कैसा ये तूफान है हुस्न की चाहतों का ये मजमा है हो 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 जिंदगी है तेरे हाथ में जीने का रास्ता दिखा दे तू हुई तेरी लगन दिल में लगी कैसी अगन खिल रहे हैं फूल कहीं हो न जाए भूल कहीं लिख दी है क्यों आज किस्मत मेरी तेरी आंखों के काजल की रेखाओं ने कर दी है क्यों आज बेचैनियां तेरी नाज़ुक सी तन-मन की आशाओं ने तेरी ज़ुल्फों में दिल चाहे खो जाना यूं ही मिलते रहो प्यार का सिलसिला कब शुरू हो गया कितना सा मुझको बता दे तू ये मेरी जिंदगी है तेरे हाथ में जीने का रास्ता दिखा दे तू मेरी जानो जिगर तुम पे मैं हारी पूरी है ये मोहब्बत की बीमारी किसकी लाश है पता नहीं सर सड़ गई है लगता है लावारिस लाश है ये क्या इधर कोई मेला लगा जो इतनी भीड़ जमा है इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते इस देश में कोई भी किसी के भी कंट्रोल में नहीं है सर अच्छा हैं ए कांस्टेबल्स इस आदमी को मारने वाला जरूर इनमें से एक है सबको थाने ले जाओ वहीं पूछताछ करेंगे अब हो गया ना कंट्रोल तुम लोग नहीं गए तुमको माइक लगा के बोलूं क्या सर हम प्रेस वाले हैं यहां क्या हो रहा है जानना है अच्छा लाश को खाने के लिए जैसे गिद्ध आते वैसे हेडलाइंस के लिए आए हो इस आदमी के मुर्दा बनने के बाद जो इंटरेस्ट दिखा रहे हो उसके जिंदा रहने पर दिखाते तो ये लाश लावारिस ना रहती जाइए देख लीजिए फिर लिखिए हेडलाइंस बट वन रिक्वेस्ट लिखते वक्त इसका नहीं इसका इस्तेमाल कीजिए लावारिस लाश ये अब कैसे है डॉक्टर ही इज ओके लेकिन अब भी मानसिक सदमे में है मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएंगे मैं चलती हूँ खाना खा के जाइए ना टाइम हो गया है मुझे जल्दी जाना है
हमारे इलाके में गुंडागर्दी काफी बढ़ गई है। एक ही हफ्ते में गुंडों ने दो लड़कियों का रेप करके मार दिया और घर में जवान लड़की अकेली है ना। आप किस इलाके में रहती हैं? शाहबाद में। शाहबाद में मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने वाले बदमाशों को चेतावनी। फिर कभी ऐसा हादसा दोहराया तो तुम्हारी लाशें रेल की पटरियों पर पड़ी मिलेंगी। आज के बाद अगर कहीं किसी ने औरतों के साथ बदतमीजी की तो बाकी की जिंदगी वो मर्द कहलाने लायक नहीं रहेगा। आजाद। औरतों का बलात्कार करने वाले गुंडे मवालियों को आजाद ने चेतावनी दी है। लड़की हमें बहुत पसंद है, लेकिन जरा इनके भविष्य के बारे में भी हमें सोचना चाहिए ना। हमें मालूम है कि आपकी 10 एकड़ जमीन है, उसमें से 5 एकड़ आप अपनी बहन के नाम कर दे तो। नहीं जी, 10 एकड़ ले लीजिए। अच्छी बात है। आप उसे 20 तोला सोना तो देंगे ना? 20 नहीं जी, पूरे 100 तोले देंगे। शादी और रिसेप्शन साथ में, आपके वहाँ से 1500 बाराती और हमारे यहाँ से 1000 मेहमान होंगे। इतनी धूमधाम से शादी करूंगा कि दुनिया देखेगी। बस एक ही कंडीशन है, शादी का सारा खर्च मेरा। चंद्रू, इधर आ। ये क्या माँ, इस तरह बाहर बुला लिया, मेहमान क्या सोचेंगे? शादी का मामला है, वादे पे वादे करते जा रहे हो, इतने रुपए कहाँ से लाओगे? माँ, आज तक तुम यही सोचती हो ना मैं बेकार घूम रहा हूँ। बहन की शादी के लिए मैंने 10 लाख जमा किए हैं। इतने रुपए कहाँ से आए? आप यही समझती है ना कि आपका बेटा रोज रात को दोस्तों के साथ घूमता रहता है? नहीं बहन जी, रोज रात को वो गवर्नमेंट गैरेज में नाइट ड्यूटी करता है। मजदूरी से लेकर कंप्यूटर तक ऐसा कोई काम नहीं है जो ये नहीं करता हो। ये तारीफ बस भी कीजिए, मैं वही कर रहा हूँ जो देश के हर नौजवान को करना चाहिए। चलो माँ। बेटा। क्यों माँ जी, आप यही दुआ मांग रही है ना कि अगले जन्म में भी आप चंद्रू की माँ बने? नहीं बेटी, इसकी बहन बन के जन्म लेना चाहती हूँ। भैया, पांच लाख से बड़ी जो भी पेमेंट है वो हेड ऑफिस में होती है। ये पेपर तैयार करके भिजवाने के बाद पेमेंट क्लियर होने में 15 दिन लगेंगे। अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो इस पेपर्स को लेकर आप हेड ऑफिस जाइए। ठीक है जी, मैं शहर में जाकर ही ले लूंगा। ओके, मैं फोन करके उन्हें बता देता हूँ। वैसे आपका नाम? आजाद, चंद्रशेखर आजाद। मैं चलता हूँ। ये क्या है माँ? और क्या, तेरी बहन की मांगों की लिस्ट है। तो खुद क्यों नहीं देती? वैसे है कहाँ गौरी? गौरी, मैं यहाँ हूँ भैया। ये क्या गौरी, छोटे बच्चों की तरह अपना घर समझा है क्या? चला जा। मैं नहीं आऊंगी भैया, मुझे ढूंढो तो जानू। गाड़ी आती ही होगी बाबा। मैं नहीं आऊंगी बाबा। अरे अरे माँ, क्या हुआ तुझे? माँ, तुझे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। ए, देखा ना, इस बार भी तू ही हार गई। तुम फिर धोखे से जीत गए हो। अरे अरे मेरी गुड़िया, नाराज मत हो, चिंता मत कर, तेरी लिस्ट का सारा सामान लेकर आऊंगा। लिस्ट विस्ट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम वहाँ जाते ही नकाबपोश दौरों के कपड़ों में अपना एक फोटो खींच के लाना। हाँ, ले आऊंगा। अरे अरे, क्या था बेटी? हाँ नहीं नहीं, गाड़ी आ गई। अपना ध्यान रखना बेटे, पहुँचने नकाबपोश दौरों, फोटो ले आना, ठीक है? यहाँ नहीं रुकेगी।
सनम तेरा गोरा बदन आंखों में चमकती आशा जुल्फ तेरी लहरा के कहे तेरा दिल है किसी का प्यासा जंगल की सुंदर तितली उड़ के अकेली क्यों चली गोरे गोरे गालों वाली तेरे लिए मेरा घर खाली कोयला कोयला कर कोयला कर कोयला कोयला कर कोयला 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 कर कोयला कर कोयला कोयला कर कोयला 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 कर कोयला कर कोयला कोयला कर कोयला 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 कर कोयला कर कोयला कोयला कर कोयला होश गया देख तेरी मदमस्त अदा लुट ही गई जान मेरी प्यार भरा रूप तेरा राहों में सबको ना दिखा बात जरा मान मेरी जगमग तारों जैसे चमके नैना हो तुम बिन एक पल भी मुझको ना रहना कोयला कोयला कर कोयला कर कोयला कोयला कर कोयला 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 कर कोयला कर कोयला कोयला कर कोयला 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 अंगारों सा दहके चंदन सा है महके खिलता हुआ ये यौवन पंछी की तरह चहके तेरे आने जाने से मस्त हुआ है मधुबन चम 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 पायलिया की भाषा हो दिल में जगाती है मिलने की आशा बोले सनम तेरा गोरा बदन आंखों में चमकती आशा जुल्फ तेरी लहरा के कहे तेरा दिल है किसी का प्यासा जंगल की सुंदर तितली उड़ के अकेली क्यों चली गोरे गोरे गालों वाली तेरे लिए मेरा घर खाली कोयला कोयला कर कोयला कर कोयला कोयला कर कोयला 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 कर कोयला कर कोयला कोयला कर कोयला 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 कर कोयला कर कोयला कोयला कर कोयला 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 कर कोयला कर कोयला कोयला कर कोयला 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 कर कोयला कर कोयला कोयला कर कोयला 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 कर कोयला कर कोयला कोयला कर कोयला तहलका.com ने देश में जो तहलका मचाया उसकी गर्मी अभी कम नहीं हुई कि आज़ाद ने देश में नया तहलका मचा दिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आज़ाद की वजह से देश में 25% गुंडागर्दी और जुर्म कम हुआ है। पत्रकारों से बात करते हुए कल शहर में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो भी हो आज़ाद को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अगर वो यहां सब चोर संभाल के मैडम जानते हो तो जल्द से जल्द नेता खाली है बेकार यार देता हूँ सौ भैया
ऐसा नहीं दोगे? मेरे पास ऐसा क्या है मैं आपको हिस्सा दूं साहब? पटना एक्सप्रेस से उतरने वाले मुसाफिर का सूटकेस मार के मुझे ठेंगा दिखाना चाहते हो 420? ठीक है साहब, मैं आपको भला ठेंगा कैसे दिखा सकता हूँ, आप ही रख लीजिए। लीजिए रख लीजिए, ले जाइए ले जाइए। क्या पूरे का पूरा ले जाइए। डेढ़ फुट ला, मुंह पोछते दे रे, ये चल पार्सल कर इसको, ये चल। हाँ ये क्या दिखता है, हाँ क्या बेच रहा है तू? ये चाय निकल रहा है। ये चुप रे, क्या बेच रही तू चमेली? मुरझाए हुए फूल, बोनी नहीं हुई, बोनी नहीं हुई, मैं तेरी बोनी करता हूँ ना, आजा आजा चमेली, मैं करता तेरी बोनी। बहुत भागती बुलबुल, क्या रे बहुत नखरे दिखा रहे ली, चल साइड में आ। क्यों भाई साहब, एक लड़की को डरा रहे हो? तेरी बहन लगती है क्या रे? हाँ भाई साहब, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप तो हाथ चला रहे। हाथ चलाऊंगा तो क्या करेगा, मारेगा? तू क्या अमिताभ बच्चन है क्या? अमिताभ बच्चन नहीं भाई साहब, आजाद। आजाद, घबराना नहीं बहन, मैं हूं ना। आओ। लगता है ये सब लातों के भूत हैं। आजाद, ये बदमाश लड़की को छेड़ रहे थे सब, पकड़ लीजिए, थाने ले जाइए। पकड़ता हूँ उन्हें, नहीं तुझे। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? अरे उनको पकड़िए, छोड़िए मुझे, उनको पकड़िए साहब, मुझे क्यों पकड़ रखा आपने? अरे मुझे छोड़, अरे मेरा वो सूटकेस लगा भाग रहा है। हेलो, हेलो, अरे सुनिए, रुकिए, ओ भाई साहब, ओ कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए मेरा सूटकेस। अरे भाई साहब रुकिए, अरे रुकिए तो सही भाई साहब, रुकिए, मेरा सूटकेस क्यों ले जा रहे हैं आप? क्यों ले जा रहा हूँ ये तेरी समझ में नहीं आएगा? अरे तुझे बचाने के लिए तो मैं इसे लेकर आया और तू मुझे गलत समझ बैठा। देख देख देख, पुलिस आ रही है। यहाँ पुलिस और गुंडे दोनों मिले होते हैं और हम जैसे शरीफों के पीछे पड़ जाते हैं, समझा? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आपकी गाड़ी? हाँ अपनी है, बैठ जा, बैठ जा। बहुत बहुत शुक्रिया, बिना जान पहचान के आपने मेरी मदद की। तू समझता है कि मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता? किस ट्रेन से उतरा है? इलाहाबाद एक्सप्रेस से, यानी तू इलाहाबाद का रहने वाला? हाँ? यानी आप भी इलाहाबाद के? नहीं नहीं नहीं, नहीं बनारस का, यहाँ आके 6 साल हो गए, तू यहाँ किस काम से आया? मैंने अपनी बहन के नाम पर रुपए डिपॉजिट किए, वो 10 लाख ले जाने के लिए आया हूँ। 10 लाख रुपए? आज ही मैं फाइनेंस कंपनी जाऊंगा। आपको देखकर बहुत खुशी हुई, वाराणसी से आके आपने खुद की गाड़ी भी खरीद ली। अरे खरीदूंगा क्यों, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ, स्टेशन के सामने खड़ी थी, उड़ा लाया। यानी कि तुमने गाड़ी चोरी की है? गाड़ी रोको। तुझे नहीं पता? अरे रोको गाड़ी। अरे मेरे बाप मेरी बात, तुम गाड़ी रोकते कि नहीं? बराबर चलते गाड़ी से कूद जाऊंगा। अरे मैंने जो भी किया तेरे लिए किया। अरे जी 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 जी, वाराणसी जैसी पवित्र जगह से आके भी चोरी करता है, ऊपर से बातें बनाता है। ये सिर्फ तेरे लिए चुराई है, बंद कर अपना। अरे सुन, अच्छा ये बैग तो मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूं। अरे सुन, ए रुको 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 रुको, ये वही कार है, जेम्स बॉन्ड की नजर है भाई, मत से बच के कहां जाएगा? ऑटो चलो, आगे बढ़ो, ठहरो ठहरो ठहरो, ए चल इधर आ। हुजूर, उस कार में जो लोग आए थे उन्हें देखा? अभी चले गए। किस तरफ गए? उस तरफ, उस तरफ या फिर उस तरफ? औरतें और बच्चे सहित हजारों लोगों का हर रोज आना जाना है रेलवे स्टेशन में। उस स्टेशन में घुसकर किसी उग्रवादी ने बम रखा। सीबीआई, सीबीसीआईडी, सीआईडी, पुलिस वाले, रेलवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, यहाँ तक कि होमगार्ड भी हमारे दिए रुपयों से तनख्वाह लेके खा पी के सोते रहते हैं। थू, सही वक्त पर जाने कहाँ से आ गए हमारे आजाद, आके किसी वीरान जगह पे ले जाके उस बम को फोड़ दिया और अनगिनत लोगों की जाने बचाई है। तो वो है असल में मर्द का बच्चा। इसलिए भाइयों, जय बोलो आजाद की, आजाद की,
सर 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 हाथ लगे आजाद को हथकड़ी नहीं पहना सका। अगर हथकड़ी पहना देता तो अभी तक मुझे अवार्ड मिल गया होता। सुन रहे हो ना, इन्हें बात पता चल जाए तो अवार्ड तो दूर, तुम्हें हॉस्पिटल का वार्ड भी नसीब नहीं होगा। अब आगे का प्लान क्या है सर? यही तो सोच रहा हूँ। अब देखो, रेलवे स्टेशन में बॉम्ब रखने वाले को पकड़ना चाहिए या पब्लिक को बचाने के लिए बॉम्ब यहाँ लाकर ब्लास्ट करने वाले आजाद को पकड़ना चाहिए? वैसे तो बॉम्ब रखने वाले को ही पकड़ना चाहिए। बॉम्ब रखने वाले को पकड़ने के लिए आजाद है ना, तो आजाद को पकड़िए। आजाद को अगर हम पकड़ेंगे तो उग्रवादियों को कौन पकड़ेगा? साहब जी, तो अब हमें क्या करना चाहिए बोलिए। चाय पीते हैं, दो चाय वो। दो चाय ला रहे। ओफो, हटो भाई। ए श्रुति, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे आजाद है ना? आजाद? हाँ, लोगों ने उसे रूबरू देखा है। आजाद? हाँ आजाद, कहते हैं इंग्लिश फिल्म के आनल जैसा लगता है। सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसने रेलवे स्टेशन में हजारों लोगों की जानें बचाई हैं। वो मामूली आदमी नहीं है। तुझे क्या हुआ? सेंसेशनल न्यूज बता रही हूँ और तो इस तरह बुत बनी खड़ी है, आके देखना। देख के क्या करूँगी, मगर ये सीन तो मेरी कहानी में नहीं था। आजाद हीरो है या विलन? उग्रवादियों का दुश्मन, गुंडों के लिए खौफ, गरीबों का हाईकोर्ट है आजाद। अभी इस शहर की भीड़भाड़ में हम में से एक बनके वो भी खुलेआम घूम रहा है। इस मौके पर जैमनी टीवी के दर्शकों के लिए एक मेगा कॉन्टेस्ट। आप फैसला कीजिए कि आजाद हीरो है या विलेन। आप कंपटीशन। हमने कार में बॉम्ब रखा है, ये बात आजाद को पता चल गई थी, लेकिन आजाद वहां से वो कार लेकर गया ये बात हम लोग जान ना पाए। इस बारे में आपकी राय? इसे रिवॉल्वर नहीं, माइक समझ लो। स्टेज चाहिए? नहीं। बोलो। मैं नहीं जानता वहां पर कौन कौन थे, मैं नहीं जानता था। नहीं जानते थे? नहीं। आप जान जाओगे। मर गया बेचारा। बोलिए, आप कुछ कहेंगे? हमको कुछ भी नहीं कहना। यस, इलाहाबाद ब्रांच वालों ने मुझे भेजा है, एमडी से मिलना है। बोल देता हूँ, आप बैठिए। मिल गई बकरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऊपर वाला कब किसको कहां बैठा देता कोई नहीं कह सकता। बैठिए ना मैम साहब। ऊपर वाला कब किसको कहां बैठाता है कोई नहीं कह सकता। अच्छा भैया, हमारी बिल्ली हमी से म्याव और इधर अंदर तक घुस के आया। एक्सक्यूज मी, ये बैग मेरा है। ओ, आपका है? पता नहीं कैसे हाथ में आ गया। मैंने एमडी साहब से बात की है, क्या काम है पूछ रहे हैं? कुछ दिन में मेरी बहन की शादी है, डिपॉजिट विड्रॉ करने के लिए आया हूँ। मैं कह देता हूँ। थैंक यू। बहन की शादी के लिए पैसा जमा किया, शाबाश। आजकल बच्चे जन्म देने वाली माँ के लिए कुछ नहीं करते और तुम बहन के लिए इतना कुछ कर रहे हो। यू आर ग्रेट। मैंने भी 2.5 लाख जमा किया यहाँ पे। आपकी बेटी की भी शादी है? किया तो शादी के लिए था, लेकिन ले जा रहा हूँ उसे मौत के मुंह से बचाने के लिए। वो हार्ट पेशेंट है, 2-3 दिन में ऑपरेशन करना होगा। ओह, आई एम सॉरी। सॉरी की क्या बात है बेटी, किसी का बुरा नहीं चाहा मैंने, भगवान मेरा भला ही करेगा। 12 सालों से पाई पाई जमा किया, तब जाके ये रकम जुटा सका। जो भी हो, ऑपरेशन सक्सेस हो जाए बस। आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन जरूर सक्सेस होगा। बस बेटे, ये काफी है। एमडी साहब आपको बुला रहे हैं। आपको चेक चाहिए तो भी ले जाइए, कैश के लिए 2 दिन लग जाएंगे। मैं कैश ही लूंगा सर, बहन की शादी के लिए खरीदारी करनी है, 2 दिन बाद आऊंगा। अच्छी बात है। भगवान, मैंने सिर्फ एक नाम की सृष्टि की थी, आजाद। आज उसी नाम से कोई आया है, वो जो भी हो मुझे उससे मिलाना। हे भगवान, मेरी बहन का ख्याल रखना। Oh!
सॉरी जी, केले के छिलके से पैर फिसला और आप पर गिर गया। कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं, हाथ जहाँ नहीं लगना चाहिए था वहाँ लग गया, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं? अरे तो फिर क्या कहूँ? क्यों भाई, क्या हुआ? हाथ जहाँ नहीं लगना चाहिए था वहाँ लग गया और कहती है कोई बात नहीं। 15 सालों से मंदिर में आ रहा हूँ, एक मामूली फल भी नहीं मिला है, तुम्हें तो ताजा फल जैसी लड़की मिल गई है। हाँ? तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। हे प्रभु कभी। पंडित जी, दरअसल बात ये है कि वो जो होना था वो हो गया, अब सबको बताकर तमाशा क्यों कर रहे हो? यही तो मैं भी कह रहा हूँ, जो होना था सो हो गया, मुझसे भूल हो गई। क्या? हाँ? तुम लोगों ने भूल की? जी बिल्कुल, जहाँ हाथ नहीं पड़ना चाहिए था वही पड़ गया। अब इस मंदिर का क्या होगा? हे राम। अरे मेरी वजह से सब आपको गलत समझ रहे हो। सॉरी जी। ओफो। अरे अरे अरे, रुके रुके रुके, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या कर रहे हो? कुमकुम लग गया है। लग गया तो छू लोगे? छू लिया। अरे रे रे रे, मुझे जहाँ नहीं छूना चाहिए था वहीं छू लिया। अरे रे, ऐसे नहीं, एक लाउडस्पीकर लगा के चिल्ला चिल्ला के बोलो। गॉड। मंदिर में आने वाले भक्तगण को मेरा प्रणाम। परम पवित्र इस मंदिर में मुझसे अनजाने में कुछ गलतियां हो गई। एक सुंदर सी लड़की को मैंने ऐसी जगह छू लिया। अरे रुक, ये आप क्या कर रही है? आप ही ने तो कहा था लाउडस्पीकर लगा के कहो ताकि सब सुन सके। ओफो, भगवान। हाँ, उसी भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं छुआ था। छोड़ो, अब हाथ पकड़ लिया। अरे अब भी जानबूझकर नहीं पकड़ा, सुनिए। अरे अरे, किससे लड़ रही हो बेटी? अपने शौहर से। अरे, अरे बेटा, वो इस तरह गुस्सा क्यों कर रही है? अरे क्या बताऊं माँ जी, मेरा हाथ वहाँ पड़ गया जहाँ नहीं पड़ना चाहिए था। हा? बेटी अपने शौहर का हाथ पड़ने से इस तरह नाराज नहीं होती? अरे मैंने अपने मुझसे कुछ नहीं कहा, ये खुद ही बोल रही है, सुनिए। अरे सुनिए तो। लूट ओम नमः शिवाय। काना माखन चोर नटखट कृष्णा, चोरी करने में तुम्हारी तरह काबिलियत तो नहीं है, अपने औकात के हिसाब से छोटा सा ब्रीफ केस मार दिया, इसमें जो भी है सब मेरा ही होना चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है भक्त। अरे तुम। नहीं भगवान, हटो, मुझे बैठना है। क्यों बे, मंदिर में इतनी जगह है, तुझे बैठने के लिए कोई और जगह नहीं मिली, यहीं बैठना है क्या? इतनी जल्दी भूल गए? ऊपर वाला कब किसको कहाँ बिठाता है कोई नहीं कह सकता। अरे वो कैसे भूल सकता हूँ? वो सब छोड़ो, तुम जिस पर बैठे हो ना, मैं भी उसी पर बैठूंगा। क्या बकवास है, ऐसे कह रहा जैसे मैं RDX बम के ऊपर बैठा हूँ। जो भी हो, एक बार बैठने दो ना। देख, यहाँ पे मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए मुझे मंजूर है, लेकिन मैं यहाँ से एक इंच भी नहीं हलूंगा। मतलब हलूंगा। हाँ, तुम नहीं उठोगे तो मैं उठाता हूँ। मुझे यहाँ से उठाना तुझे अकेले के बस की बात नहीं है बच्चू, और भी 4 आदमियों को बुलाना पड़ेगा। अबे चल उठ यहाँ से। अरे चल, उठ सर। अरे सर, आपका सूटकेस यहाँ पर है। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सर आपका सूटकेस ये लीजिए। चलो सर सुनिए। अरे रुकिए तो सही, आप कहाँ भाग रहे? अरे सुनिए, अरे रुको रुको रुको, उस गाड़ी का पीछा करो। अरे देखना हमारा छपा हुआ नोट कैसा लग रहा है। ये तो ओरिजिनल से भी ओरिजिनल लगता है। आ गए, हमारे प्लान के मुताबिक मंदिर में बम रख दिया। रख तो दिया, पर अब वो मंदिर में नहीं है। क्यों, कैसे? कोई बेवकूफ उसे लेकर मेरे पीछे आ रहा था। वो कब फटेगा, कहाँ फटेगा, कोई नहीं कह सकता। भाई साहब, इस गाड़ी में जो आए थे वो अंदर ही गए ना? हाँ तो? ये ब्रीफकेस वो मंदिर में भूल आए थे, ये उन्हें दे देना। तुम आजाद,
रेलवे स्टेशन में जिसने गलती को सिपाही साहब ने गोली मार दी, ये उन्हें पता चला तो साहब। अरे क्या है यहाँ, मेरी जान जा रही है ऊपर से। तू ये किसने दिया? मंदिर में भूल आए थे ना, आपको देने के लिए कहा है। किसने? आजाद ने। जाली नोट छापने वाली प्रेस है। एक मिनट। अरे ये तो जिंदा है, हटो, मूव, कम ऑन मूव, जल्दी इसे अंदर डालो, एम्बुलेंस में डालो, जल्दी जल्दी करो। एक मिनट, एक मिनट, बोलो तुम लोग यहाँ क्या करते थे, कौन हो तुम? हाँ, ये सब किसने किया, किसने किया ये सब, बोलो। आजाद। ए, दिखाई नहीं देता? माफ कीजिए। जहाँ भी जाओ ऐसे ही लोग मिलते हैं, इन जैसों का तो कोई अंजलि नहीं है। गरम क्यों होती है? मंदिर में भी चैन नहीं, लड़कियों से टकराने के लिए ही आते हैं, पहले टकराते हैं फिर कहते हैं माफ कीजिए भूल हो गई। बाप रे, उसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। जीना मुश्किल कर दिया? अरे वाह, कहानी तो रोमांटिक लगती है। ए, मुझे गुस्सा आ रहा है पता है। हमेशा प्यार की शुरुआत गुस्से से ही होती है, वो दिखने में कैसा है बोलना? बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा ये टाइप है। अंजलि, तुम्हारे लिए एक सेंसेशनल न्यूज है। क्या है सर? जाली नोटों को छापने वाले प्रेस में जाकर 50 करोड़ रुपयों के जाली नोटों सहित 5 बदमाशों को भी बम से उड़ा दिया। किसने सर? आजाद ने। और किसने? ऐसे सर। अरे यही तो तुम्हें पता लगाना है अंजलि, तुम जाके ऑन द स्पॉट रिपोर्ट लाओ। अरे विनोद, ये ले जाके प्रेस में दो, ये इवनिंग एडिशन में आना चाहिए। जी अच्छा। देवा, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, आजाद के हाथों से बच गया है वो। अब वो महावीर हॉस्पिटल में है, अभी वहां जाना ठीक नहीं होगा, सख्त पहरा है वहां पर। पट्टी बांधनी है मुझे, फौरन महावीर हॉस्पिटल ले चलो। आजाद को देखा तुमने? इन्हीं का नाम है चंदर, मैंने बताया था ना फाइनेंस कंपनी में मिले थे। आपकी बहन की शादी है ना, पता नहीं तब तक मैं रहूंगी या नहीं, ये अपनी बहन को दे देना। अरे अरे नहीं बहन, मेरे मरने के बाद इसे पहनने के लिए मेरे डैडी का कोई नहीं, आपकी बहन तो पहन लेगी ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पिताजी की मन्नतें बेकार नहीं जाएंगी, ये ऑपरेशन जरूर सक्सेस होगा, फिर तुम्हारी शादी होगी, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा। अगर मेरा भी कोई भाई होता तो ऐसे ही बोलता ना डैडी। हाँ बेटी, तू नहीं मरेगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, आजाद मरेगा। तूने देखा उसे, कैसा है वो, बोल। घबरा मत, कुछ नहीं होगा। आजाद, क्या भगवान जैसा है वो आशा? भगवान? माता, गरीब की मदद करो, आंखों से सूरदास हूँ, मदद करो माता। ये हाथ में क्या गया? ए, क्या कर रहे हैं? बेबी जी, दोनों आंखों से अंधा हूँ, अंधे को सड़क पार कराओगी तो पुण्य कमाओगी। ओके। देवी जी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने गरीब अंधे की मदद की है, अब तुम जाओ। It's okay.
मजा आ गया, एक टिकट पर दो दो फिल्में देख ली, मनोरंजन के साथ साथ कमाई भी। अब देखते हैं कौन सी फिल्म देखने को मिलती है। माता पिता गरीब की मदद करो, अंधा हूँ, हम मदद करो गरीब। गुस्से में मत देखो बाबूजी, दोनों आंखों से अंधा हूँ बाबूजी, मदद करो बाबूजी। मदद चाहिए ना? हाँ बाबूजी, अभी देता हूँ। अरे मर गया, जो भी हो कटोरे में दो बाबूजी। मदद इस तरह कटोरे में नहीं देते बाबूजी। नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी। हाथ नहीं। में देते हैं बाबूजी, ये लो बाबूजी। अरे रुक, ओ ओ, अरे हट जाओ, हट जाओ सामने से। अरे ओ ए ओ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें छूट देता तो तुम मेरा चुम्मा लेने वाली थी। हा? एक तो मुझ पर जानबूझकर गिरते हो, ऊपर से इल्जाम भी लगाते हो। मंदिर में अनजाने में गिरे थे ये सोच रही थी, अब पता चला तुम ये सब जानबूझकर करते हो। खामखा में बिगड़ रही है। अरे हुआ यूं कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, ईव टीजिंग का केस बनाकर पुलिस से पकड़वाती हूं। पुलिस, इतनी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुला रही? मैं धो देता हूं, रुकिए ये लीजिए, पुलिस ये देखिए, ये देखो उधर, मुड़ो उधर, मुड़ो, देखो दूर गया, साफ हो गया। अरे अब बस बस बस, पुलिस को नहीं बुलाएंगे ना? सारा? मैंने जानबूझकर नहीं किया, नहीं बुलाएंगे ना? आखिर क्या कर रहे हो, कुछ पता है तुम्हें? ऊपर से मासूमियत का नाटक पूरा भिगो दिया, अब घर कैसे जाओ? ओह भीग गई, लाइए मैं पहुंच देता हूँ, लाइए लाइए, अरे मैं पहुंच देता हूँ। सुनो तो, करो कहाँ रहते हो बताओ मुझे, मैं जिंदगी में कभी वहाँ से नहीं गुजरूंगी। अरे सुनिए, मैं कह रहा था ये पुष्कर अब ऐसी जा रही है, सुनिए। अरे फोन की घंटी बज गई, फोन की घंटी बज गई। अरे चंदू, चंदू फोन है भैया, मुझे भी ले दो ना, मुझे दो। माँ, बेटा। हेलो माँ। बेटा तुम अच्छे तो हो ना? भैया आपने सब चीजें ले ली ना? चंदू शहर की लड़कियों को लाइन मत मारना, मुझे बात करने दो, तुम वक्त पे खाना खा लेना बेटा। भैया अपनी सेहत का ध्यान रखना। अच्छा अरे नकाबपोश जोरों के कपड़ों में तस्वीर खींच लो। ओके देखो भाई, एकदम नकाबपोश जोरों जैसा लगना चाहिए, ऐसा फोटो खींचो कि मेरी मंगेतर देखे तो देखती रह जाए। तुम्हारी मंगेतर ही नहीं, सारी दुनिया देखती रहेगी। तुम वहाँ अपना गेटअप बदलो, मैं यहाँ सेटअप बदलता हूँ। आ जाओ सर, आ जाओ। सुनो भाई साहब, मैं और मेरी धर्मपत्नी प्रधानमंत्री के साथ और मेरे बच्चे ऋतिक रोशन के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। मुफ्त में? नहीं, फोकट में। एक्सक्यूज मी मिस्टर शक्तिमान साहब, मेरे बच्चे आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, जरा इनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। रेलवे स्टेशन से जो भाग गया था वो तो ही है ना। अरे गुंडों को छोड़कर आप मेरे पीछे क्यों पड़े? नहीं नहीं छोड़ूंगा, तू मेरा मेंटर है आजाद। चुप, वो शक्तिमान नहीं आजाद है, उसे पकड़ा तो प्रधानमंत्री के कटआउट के साथ नहीं सचमुच प्रधानमंत्री से मेडल लेते हुए फोटो खिंचवा सकता हूँ। तुम लोग रुको, मैं अभी आता हूँ। आजाद है ना? आजाद। What? वो घोड़े पर आजाद ही जा रहा है। God! बस आजाद का नाम सुनते ही लड़की लोग दीवानी हो जाती हैं।
सुनो, यहाँ कोई घुड़सवार आया था? उनसे पूछो, वो बताएंगे। यहाँ कोई घुड़सवार तो नहीं आया, लेकिन हम चार पांच घोड़े जरूर हैं। मेरे पास मत आना। पास नहीं आऊं? क्यों? भारी मात्रा में बम और विस्फोटक वस्तुओं का बरामद हो जाना पहली बार हुआ है। पुलिस को इन एक्सप्लोसिव्स तक लाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालने वाले नकाबपोश आजाद को हार्दिक शुभकामनाएं। इन विस्फोटक वस्तुओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आइए, कहां से आया, उसका निशाना कहां, इसका कुछ पता है? इनके पीछे कोई राजनीतिक हाथ हुआ तो क्या आप इन्हें छोड़ देंगे? होल्ड ऑन प्लीज। बम बनाने वाले इस गैंग के आदमी आज पहली बार मेरे हाथ में आए हैं। इनके पीछे चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, मैं इन्हें कटघरे में खड़ा करके ही दम लूंगा। नाउ जस्ट लेट मी गो, प्लीज। Oh,
खुशी आज क्यों प्यार मचल कर दिल से निकल कर जाने लगा तुझ पे गुजर कर मेरी तरफ ये आने लगा तेरी बाहों में आने को बेकरार हूँ मैं तेरे ख्यालों में छुपने को हरदम करता रहता मेरा दिल ओ सनम तुम मुझे कैसा नशा प्यासी तमन्नाओं का मैं क्या करूं सांसों की खुशबू से महका दो मेरी मोहब्बत को तुम अपनी पहली मोहब्बत से चमका दो तेरी खुशी ही मेरी खुशी है ये जान लो देर न करना दिल की तमन्ना पहचान लो ऊंचे से पर्वत के नीचे झरता है झरना पूरा होगा मेरा सपना पिया पिया बोले मेरा जुस्तजू होने लगी है मेरी हालत ये क्यों छाने लगा कैसा नशा प्यासी तमन्नाओं का मैं क्या करूं मीठी मीठी आग सी लगी जाने ये कैसी सीने से लगा ले मुझको पिया पिया बोले मेरा दिल ओ सनम तुम मुझे चूम लो भैया लड़की को वहीं छोड़ के आया हूँ गुंडों ने अगर उसे फिर से छेड़ दिया तो अरे मैंने ऐसा सुनाया है उसे कि वो उस लड़की को ही नहीं जिंदगी में किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेगा मैंने ही तुम्हें क्रिएट किया ये जानकर एक तरफ तो भोलेपन का नाटक करके मुझसे मिलते हो और दूसरी तरफ आजाद बन के बहादुरी दिखा रहे हो भैया थक गए चाय पी लेते हैं ऑर्डर प्लीज जाके दो चाय लेके आ 2/3 क्या हाल है आजाद साहब मैं ठीक हूँ जी मैं तुमसे इन्हीं के बारे में कह रहा था केले का छिलका नहीं टमाटर और आखिर में पुराना किला एक बात कहूँ आप जैसी सुंदर लड़की को वहाँ खंडरों में नहीं जाना चाहिए था ये तो मैं वहाँ था इसलिए कुछ नहीं हुआ वरना बहुत खूब बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो हाँ जी एक्टिंग तो मेरे खून में है जब इलाहाबाद में हाई स्कूल में पढ़ता था तब नाटकों में काम करके मुझे इनाम भी मिला है इलाहाबाद में हाँ दो दिन पहले जब से रेलवे स्टेशन पर उतरा हूँ तब से मेरी परेशानियाँ शुरू क्या कहा दो दिन पहले ही रेलवे स्टेशन पे आके उतरे हो नहीं 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 वहाँ पे इसने गुंडों को नहीं मारा उन लोगों ने पंगा लिया मैंने मारा वहीं कार पार्किंग से इसने गाड़ी की चोरी की गाड़ी चोरी की बाप रे बाप मैंने जान के गाड़ी नहीं चुराई मैडम जब ये गुंडों को मार के भाग रहा था तो पुलिस इसका पीछा कर रही थी इसको बचाने के लिए मैंने गाड़ी चुराई और इसको लेके भागा आप मेरी शक्ल देख के बताइए मैडम क्या मैं चोर लगता हूँ उस गाड़ी का क्या हुआ हिल रोड पर छोड़ दिया लेकिन पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ रही फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में गया तो पुलिस वहाँ भी पहुँच गई और तभी मेरा यार जोरो की पोशाक में आके आपको घोड़े पे बिठा के ले गया इस बीच आप कभी सुल्तान बाजार गए थे क्या अरे आपको कैसे पता चला मंदिर में कोई ब्रीफकेस भूल गया था वहाँ एक 420 उसे हड़पना चाहता था उसे मैंने संभाल के सुल्तान बाजार ले जाके लौटा दिया सर चाय इस तरह क्या सोच रही है चाय पीजिए ये बताओ शहर में आजाद आजाद कह के कोई तहलका मचा रहा है कभी उसके बारे में कुछ सुना अरे वो कौन है भाई जिसने मेरा नाम ले लिया है क्या आप उसे जानती हैं खूब अच्छी तरह वो कोई ऐसा वैसा नहीं है 22 खतरनाक गुंडों को मार दिया है उसने ये बात है शहर के रेलवे स्टेशन में उग्रवादियों ने जो बम रखा उसे हटा के लोगों की जाने बचाई है अच्छा और भी सुनो 50 करोड़ के जाली नोटों को बम से उड़ा दिया अरे बाप रे आजकल ऐसे बहादुर भी होते हैं आखिर वो है कौन कहाँ रहता है वो यहीं पर है मेरे सामने बैठकर चाय पी रहा है हाँ?
वो कहीं ये तो नहीं? मैं अभी चुप, यही है ना? नहीं, बच गए। फिर कौन है वो? गरीबों के लिए मसीहा, गुंडों के लिए खौफ, पुलिस वालों के लिए मददगार। वो आजाद कोई और नहीं, तुम ही हो। भाई साहब, पुराने किले से पकड़े गए हमारे लोगों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल में रखा है और कल उन्हें अदालत में पेश करने वाले हैं। कौन है आप? विश्वनाथ, सीबीआई। सर, सीबीआई ऑफिसर विश्वनाथ आ रहे हैं। कौन सिर्फ एक आदमी अकेला आके 20 पुलिस वालों को मार के अपने चार साथियों को आराम से छुड़ा ले गया। वो कोई मामूली गुंडा या कोई छोटा मोटा उग्रवादी नहीं हो सकता। ही इज पावरफुल, ही इज बियॉन्ड आवर इंटेलिजेंस। हु इज दिस बगा? वो कौन है? कौन है वो? कौन है वो? कतुलन सारी दाऊद। कुरान शरीफ पढ़ने वाले इस मुंह से मैंने गीता भी पढ़ा है। सिर्फ दुनिया के लिए मैंने भगवा पहना है, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से सब्ज हूं। पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाले हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए ही उस खुदा ने मुझे इस मुल्क में भेजा है। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मिसाइल हूं। मुजाहिदीन। लेकिन मुझे शिकस्त देने की जरूरत की है आजाद ने, उसे मरना होगा। खुदा कसम उस कमीने को मैं ऐसी मौत मारूंगा कि इस मुल्क में आज के बाद जिहाद के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठेगी। यह है आजाद के खिलाफ दाऊद का फतवा। फतवा आजाद। आजाद, 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 आजाद। दो घंटे से देख रही हूँ जलपरी की तरह पानी में तैर रही है। चल बाहर निकल,
आज मुझे पानी से निकलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। आज पानी बहुत मीठा लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा, लेकिन ये मीठा तुम्हें मुबारक हो। क्यों, क्या बात है? उधर देख। कर जाते हो? छी! पानी गंदा करते हो, अभी मजा चखाती हूँ मैं। अरे कहाँ भागते हो, रुक जाओ। हेलो, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हम जेमिनी टीवी के हेलो आप कैसी हैं प्रोग्राम के लिए आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम महालक्ष्मी है। आप अपना कोई मनपसंद गाना गाइए। फिल्मी गाना छोड़ के मैं स्पेशल गाना गा सकती हूँ क्या? स्पेशल गाना? मेरे मंगेतर है ना, वो इस वक्त शहर गए हुए हैं, मैं उनके लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। इलाहाबाद जिले की रहने वाली महालक्ष्मी अपने मंगेतर के लिए स्पेशल गाना गाना चाहती है। स्टार्ट कैमरा। अरे नहीं, एक मिनट, अभी स्टार्ट। रे वाली काली जुल्फों वाली, तेरी मेरी शादी कब होगी? सुन 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 बाके छोरे, मत ना डाले डोरे, शादी होगी मेरी मर्जी से। भूले कैसे, खाई थी कसमें तुमने? कसमें सारी खाई थी झूठी हमने। अरे हाय, अरे हाय, अरे हाय 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 हाय। सुन 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 बाके छोरे, मत ना डाले डोरे, शादी होगी मेरी मर्जी से। सुन 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 नखरे वाली काली जुल्फों वाली, तेरी मेरी शादी कब होगी? काबू से बाहर हो गया हो, 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 हो। दिल को बस में करना होगा हो, हो, हो। मुझको अपनी बाहों में भरना होगा। अरे हाय, अरे हाय, अरे हाय 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 हाय। सुन 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 नखरे वाली काली जुल्फों वाली, तेरी मेरी शादी कब होगी? बिजली चमके पायल बाजे हो, 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 हो। झटका दे के कर दिया घायल हो, हो, हो।
कह दो ओके तो अरमा पूरे होंगे। सुन सुन नखरे वाली काली जुल्फों वाली तेरी मेरी शादी कब होगी। सुन 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 बाके छोरे मत ना डाले डोरे शादी होगी मेरी मर्जी से। भूले कैसे खाई थी कसमें तुमने। कसमें सारी खाई थी झूठी हमने। अरे हाय ये देखो ऐसे हर रोज 200,000 लोग हमारे दफ्तर को लिखकर पूछते हैं कि उनका आजाद कौन है। दुनिया को एक हीरो की जरूरत थी, उन्हें निचोड़ के उनका खून चूसने वालों से उन्हें बचाने के लिए एक सुपरमैन चाहिए था। अपनी कल्पना से मैंने एक हीरो की सृष्टि की और तुमने उसे रूप दिया। आखिर इस कैरेक्टर को मुझे क्रिएट क्यों करना था, उस पर दुनिया को भरोसा क्यों होना था, उसी नाम से तुम्हें यहाँ क्यों आना था, उन सभी घटनाओं में तुम्हें पात्र क्यों बनना था, हम दोनों को क्यों मिलना था। आजाद ये सब इत्तेफाक नहीं, ये सब होना ही था जिसे कोई टाल नहीं सकता। I think you're a man of destiny। मैं? तुम हंस रहे हो आजाद, ये कोई जोक नहीं था। न जाने आप क्या क्या कह रही हैं और मैं क्या क्या सुन रहा हूं। मैं आपके इस शहर में देश का उद्धार करने नहीं आया, इसके लिए आया हूं। ये मेरी मां और बहन की जरूरतों की लिस्ट है। एक हफ्ते के बाद मेरी बहन की शादी है, मैं चाहता हूं कि उसकी शादी धूमधाम से हो जाए। आपके इस आजाद की बहादुरी की कहानी बना के किताब छपाइए या फिर फिल्म बनाइए, बहुत खूब चलेगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, जो काम मुमकिन हो वो बताइए। यही तुम्हारा फैसला है? यही फैसला है। तुम अपना फैसला इन लोगों से कह सकते हो? ये देखो इन्होंने अपने खून से तुम्हें चिट्ठियां लिखी हैं। इनके जज्बातों को ठोकर मार के, इनके भरोसे को चकनाचूर करके तुम जा सकते हो? बोलो आजाद, बोलो। दुनिया में बिना मिलावट का सिर्फ एक भरोसा ही रह गया है। भरोसे का फायदा उठाकर ही देश के बड़े बड़े नेता लोग जनता की लाचारी से खेलते हैं, अमीर लोग गरीबों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। अब आजाद के नाम से आप लोगों के जज्बात से खेल रही हैं, ये गलत बात है। लोगों के भरोसे के साथ मत खेलिए, मत खेलिए। मैं मानती हूँ, इसलिए तो मैं सचमुच आजाद बनने के लिए कह रही हूँ। दुनिया से जुल्मों को मिटाने के लिए उस ऊपर वाले को भी 10 अवतार कम पड़ गए, तो मैं तो एक आम इंसान हूं। जुल्म करने वाले इस शहर में ही नहीं, इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। आजाद बनके मैं अकेला उनका क्या बिगाड़ पाऊंगा। इस खेल में कई लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, इसे यहीं खत्म कीजिए। इसी में आपकी भलाई है और मेरी भी। ठीक है, अब बताओ कि मैं क्या करूं। आजाद को मार डालिए। शहर में हर रोज कई लावारिस लाशें पड़ी मिलती हैं, उनमें से एक आजाद की ही है ये साबित कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया अपने हिसाब से चलती रहेगी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ चंद हसीन लम्हे बिताए हैं, हम कभी कभार उन लम्हों को याद करेंगे। आजाद को एक ख्वाब समझकर आप भूल जाइए। कैसे हो बेटे? मैं अच्छा हूँ शास्त्री जी, आपकी बेटी कैसी है? डॉक्टर ने कहा है आज ही ऑपरेशन करेंगे। फाइनेंस कंपनी से रुपए लेने के लिए आया हूँ। तुम गांव कब जा रहे हो? बस रुपए मिलते ही, अगले हफ्ते बहन की शादी है ना, बहुत सारे काम बाकी हैं। सब कुछ अच्छा ही होगा, सबके ऊपर भगवान जो है। अरे बोल दिया ना, कितनी बार कह चुका हूँ, फिर वही बात। हमारा इस फाइनेंस कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरा 3 महीने का किराया दिए बगैर ही रातों रात वो लोग भाग गए, बदमाश लोग। तुमसे बस पड़े तो उन चोरों को ढूंढ के पकड़ो। बेकार यहाँ हंगामा मत करो, जाओ जाओ यहाँ से। रास्ता दीजिए साहब, साहब साहब, आज अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी बेटी मर जाएगी। मेरे रुपए दीजिए, आपके हाथ जोड़ता हूँ, दया कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मेरे पैर क्यों पड़ता है, जाके पुलिस के पैर पड़ो। जाओ, हम अपना पैसा मांग रहे हैं तो धक्का क्यों दे रहे हो? तुझे अलग से कहना पड़ेगा। तो सुनो, ये कंपनी बोगस कंपनी है, इसका दिवाला निकल चुका है, तुम लोगों का पैसा नहीं मिलेगा, सुन लिया ना? जाओ। इस हिंदुस्तान को हिलाकर रखने के लिए ही हम लोग नकली नोट छापते थे। उन नकली नोटों को बाजार में लाने के लिए ही हमने गांव गांव में फाइनेंस कंपनी खोली थी, है ना? अब हम लोग
तमाम फाइनेंस कंपनियों को बंद करके मुंह पे उंगली रख के चुपचाप खड़े हैं। अब क्या करेंगे? हम कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं भाईजान। क्यों? वो कब क्या करे क्या पता नहीं। कौन? आजाद। ये हाथ में पुस्तिलों के लिए कोई जगह नहीं है। किशनचंद को फोन लगाओ। बहुत सही कहते हो, धोखा देने वाली फाइनेंस कंपनी के हम दोनों मालिक हैं। बात अगर बाहर आई तो हम मुख्यमंत्री नहीं भिखारी बन जाऊंगा। जोश में मत आओ किशनचंद, अब अगर जोश में आओगे तो तुम फंस जाओगे। कैसे? दुनिया को धोखा देने वाली उस फाइनेंस कंपनी के तमाम कागजात तुम्हारे नाम पर है। घबराओ मत, किसको कब कैसे बचाना है देवा जानता है। देवा! hey! दो मिनट का टाइम देता हूं, ये जगह खाली करके चले जाओ। राउंड देम अप! चोरों को पकड़ने के बजाय उन लोगों से घूस खाकर हमें यहाँ से हटाने के लिए आए हो। लड़ा दे तुम पर। क्या तेरी यार? चार्ज! सब शांत हो जाओ। अपनी बेटी के लिए मैंने जो पैसे बचा के रखे थे वो सब चला गया। ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी बेटी नहीं बचेगी, और मेरी बेटी के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। चाहे जो भी मजबूरी हो, फिर भी अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेल कर अकेले इस दुनिया में जीने का मुझे कोई अधिकार नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। शास्त्री जी, नहीं! बेटी मुझे माफ कर देना। बेटी! शास्त्री जी! पीछे जाओ, सबको पीछे जाओ। चार्ज! ए बदमाशो, मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। हमें भले ही पुलिस ना बचाए, कानून ना बचाए, हमारी सरकार ना बचाए, लेकिन वो हमें बचाएगा। आजाद, आजाद आएगा। हमारे बहने वाले खून के एक एक कतरे का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हमें धोखा देके हमसे हड़प किए हुए एक एक भाई का वो तुमसे हिसाब लेगा। हमारे खून पसीने की कमाई वो हमें वापस दिलाएगा, हमें इंसाफ दिलाएगा। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उससे तुम लोग नहीं बचोगे। आजाद! आजाद! घबराओ मत किशनचंद, हम लकी हैं। यहां एक आदमी ने खुद पर पेट्रोल डालकर सुइसाइड कर लिया है। इस हादसे को लोग कुछ दिन याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर होने के नाते अफसोस जाहिर कर देना और आराम से सो जाना। आजाद, फोन दो। आजाद, फोन दो मुझे। आजाद, आजाद, आजाद। हेलो, हम किशनचंद बोल रहा हूँ। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। फाइनेंस कंपनी के नाम से जितने रुपए तुमने लूटे उन्हें तैयार रखो, वरना मर जाओगे। हेलो, हेलो। आजाद। सुनो रे, ये रुपया लेने के लिए आया है, इसको असल और सूद मिलाकर लौटा दो। बोल, किस नाम से पर्ची फाड़ूं?
आजाद। रुपए कहाँ छुपाए बता बता। हमको छोड़ दो, हमको कुछ नहीं मालूम, पैसा हमारे पास नहीं है। हम हाथ जोड़ता हूँ, कंपनी का मालिक हुआ देवा, देवा देवा। जिसने मेरा अपमान किया था वही देवा, जिसकी वजह से मेरे पापा एक जिंदा लाश बन गए वही देवा, जिसने मुझे आजाद की सृष्टि करने पे मजबूर किया वही देवा। अब देवा नहीं रहेगा। ये रुपए जिनके हैं उन्हें लौटा दो। आजाद ने मेरी बेटी की शादी करवाई है, धन्य है वो माँ जिसने आजाद को जन्म दिया। आजाद यहाँ है, जब तक इस जान में जान रहेगी तब तक आजाद यही रहेगा। वो उम्र में छोटा है तो आशीर्वाद देता हूँ, बड़ा है तो प्रणाम करता हूँ। ये अब ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हुआ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक्स मुझे क्यों, जो काम भगवान नहीं कर सका उसे आजाद ने कर दिखाया। आप आजाद का शुक्रिया अदा कीजिए। जी अच्छा, आइए। ये फंस गया। अरे मैं निकालता हूँ। नहीं नहीं मैं निकालता हूँ ना मैं। छोड़ो, बुरी तरह फंस गया। चलिए चलिए। मेरे पापा नमस्ते जी। ये आपको नमस्ते नहीं कह सकते, देवा की वजह से इनका ये हाल हुआ है, ट्रीटमेंट चल रही है। घर कैसा लगा आपको? आपको अपनी ये तस्वीर बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने लगाई है। थैंक्स। जहाँ अपनापन होता है वहाँ थैंक्स शब्द के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आई एम सॉरी। अपनेपन में सॉरी शब्द के लिए भी कोई जगह नहीं है शायद। पापा मेरी बात आप सुन सकते हैं या समझ सकते हैं, मैं तो ये भी नहीं जानती। अगर माँ होती तो मैं उनसे कहती, अगर मेरी कोई क्लोज फ्रेंड होती तो उसको बोल देती। मेरे लिए मेरी माँ, पिताजी, क्लोज फ्रेंड सब कुछ आप ही हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो आए थे जिनसे मैंने आपका परिचय करवाया, आप मान जाएंगे इस भरोसे पर, उनसे प्यार करने लगी हूँ, उन्हीं से शादी भी करना चाहती हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए पापा। We'll be right back.
देख सको तो देखो आंखों में प्यार, जान सको तो जानो सांसों में प्यार। मेरे जाने वफा ये तूने क्या किया, तू मेरी जिंदगी मन मंदिर है तेरा, तेरे बिना सनम ये जन्म कैसा। देख सको तो देखो आंखों में प्यार, जान सको तो जानो सांसों में प्यार। मौसम से पूछ लो तुम मेरी आस हो, जाने मन तुम मेरे जीवन की प्यास हो, दिल में खिला है ये फूल कैसा। देख सको तो देखो आंखों में प्यार, जान सको तो जानो सांसों। आजाद ने जब एक अपोजिशन लीडर की पिटाई की थी तब आप हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहे इंस्पेक्टर। आपकी वजह से मंत्रियों की बातें सुन सुनकर हम परेशान हो चुके हैं। मैं जानता हूं सर, लेकिन एक बात है, उस विपक्षी नेता ने फाइनेंस कंपनी खोलकर हजारों लोगों का करोड़ों रुपया लूट लिया तब आपको कोई दुख नहीं हुआ। अब जब आजाद ने उस कमीने की पिटाई की है तो दर्द आपको हो रहा है। कहीं आपने तो उससे कोई फाइनेंस नहीं लिया। स्टॉप इट मिस्टर सलीम, तुम किससे बात कर रहे हो जानते हो? बम बम हेलो, घबराइए मत, मैं तो ये मजाक कर रहा था। हाउ डेयर यू, सीनियर ऑफिसर के साथ ऐसा घटिया मजाक। तुझे कूल डाउन, क्यों जोश में आ रहे हैं इस तरह? हाँ, बॉम्ब का नाम सुनते ही टेबल के नीचे छुपने वाले आप लोग क्या लोगों की जानें बचाएंगे? लेकिन बॉम्ब कहां है इसका पता लगाकर अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने वाला वो आजाद बिना यूनिफॉर्म का असली पुलिस ऑफिसर है।
आपको सलाम करने के बजाय उसे सलाम करता तो इस वर्दी की पब्लिक के सामने कुछ अच्छी इमेज बनती। यहां सेंट्रल एसी रूम के अंदर बैठकर हाथ से ग्लोब में छपी हुई दुनिया को घुमाते हुए यह मत सोचे कि यही दुनिया है। दुनिया कैसी जानना है तो आजाद की तरह सड़क पर आकर देखिए। अरे आखिर कौन है वो? मैंने एक से पूछा तो कहा कि घोड़े पर जा रहा था वो, जब दूसरे से पूछा तो उसने कहा ऑटो में जा रहा था वो, और जब तीसरे से पूछा तो उनके भगवान को दिखाया। आखिर कौन है ये आजाद जो हमेशा मेरी ही तरह सोचता है? मैं जो भी करने जा रहा हूं उससे पहले उसका पता लगा लेता है वो। कैसे? उस आजाद को एक बार देखना है मुझे, एक बार, सिर्फ एक बार। अगले जुम्मे को तारीख क्या है पता? December 6। हाँ वही, उस दिन हिंदू सेवा समिति की तरफ से नेहरू स्टेडियम में महायज्ञ का इंतजाम कराओ। हजारों की तादाद में लोग आएंगे और वहां आजाद भी जरूर आएगा। वहां का जो घंटा घर है, जब उसकी घड़ी में ठीक एक बजेगा तब पूरा स्टेडियम बम से उड़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार, सिर्फ एक बार उस आजाद को देखना चाहता हूं मैं। हिंदू सेवा समिति की तरफ से आप सब लोगों से विनती करता हूं कि December 6 शुक्रवार की पहली पहर ठीक 12 बजे December 6 बाबरी मस्जिद के टूटने की सालगिरह, उसी दिन देवा ने महायज्ञ का आयोजन किया है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अब क्या करें गुरु? देवा, 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 ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह। खुदा हाफिज़। हिंदू सेवा समिति के भक्तजनों को नमस्कार। हमारे पूजनीय श्री 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 देवा जी को यहां होने वाले महायज्ञ के अवसर पर छोटा सा एक उपहार देना चाहता हूं। हमारे हिंदू धर्म का सर्वप्रथम नाद है ओमकार, वही महत्वपूर्ण नाद है। हमारे पूजनीय देवा जी के नस नस में, शरीर में और आत्मा में पूरी तरह से लीन हुआ नाद है ओमकार। उस ओमकार के चिन्ह ओम को इस मौके पर उनके माथे पर गोदने का हमारा विचार है। जब तक मैं ये मुद्रा गोद न लूं, तब तक आप ओम का ऐसा जाप कीजिए कि वो आवाज सिर्फ भूलोक में नहीं बल्कि देवलोक में भी गूंजती रहे। में 5 बार नमाज पढ़ के जिस माथे पर निशान पड़ना चाहिए उस माथे पर ओम गुरुद्वारा है आजाद। मजहब चाहिए या ये झूठा लिबास चाहिए, इसका खुद ही फैसला करो। कहा है? यहीं, इन्हीं के बीच मौजूद है वो। आजाद बाहर निकला नहीं तो इसे भून दूंगा। आजाद तू जहां भी है बाहर निकला, तू नहीं आएगा। ओके, तू उसे दिखा दे, चल दिखा, बता कहां है वो। बोल
बता कहाँ है वो? मुझे कुछ मत कॉल, बता तो, बता तो, वो उस दरवाजे के पीछे। आजाद को देखना चाहते हो ना? वो कोई और नहीं, मैं हूं। अपने आप को सरेंडर कर दो देवा। और कोई रास्ता नहीं है। तुम समझते हो तुम जीत गए? अब से 20 सेकंड के बाद जब घंटा घर की घड़ी में ठीक एक बजेगा, पूरा स्टेडियम खत्म। मुझे गिरफ्तार करना चाहोगे या अपनी अपनी जान बचाना चाहोगे? मैं जानता था तू ऐसा ही कुछ करेगा, इसीलिए उस घड़ी को आधा घंटे पीछे किया है। वो देख, कारगिल से पत्थर का एक टुकड़ा तक नहीं ले पाए, पूरे कश्मीर की मांग कर रहे हो तुम लोग। कश्मीर तो क्या, इस भारतवर्ष की मिट्टी का एक कण भी नहीं मिलेगा। शांति चाहते हो तो हथियार फेंक दो और बैठ के बात करो। आजाद, Night Ambulance! No! जल्दी आओ, पकड़ो इसे, ले चलो जल्दी। दौड़ मत करो, अरे हटो जल्दी। डॉक्टर, ये आदमी मुझे जिंदा चाहिए। सॉरी ऑफिसर, ही इज क्लिनिकली डेड। शिट, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस दाऊद को मौत भी नहीं मार सकती। जातस्य मरणम ध्रुवम। आजाद, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं मैं। आपकी बहन की लिस्ट के मुताबिक सब कुछ ले लिया, अब और क्या देख रहे हैं? सिर्फ एक चीज बाकी है। वो क्या? रेशमी साड़ी। किसके लिए? जो मेरे मन में बसी है उसके लिए। जान सकते हो कि वो कौन है? जरूर जान सकते हो, लेकिन अभी नहीं। मेरी बहन की शादी में आओगी तो बता दूंगा। आओगी ना? सर, आपको क्या चाहिए? इन्हें देखिए, इनके रंग को जो जचे ऐसी साड़ी चाहिए। दाम जो भी हो कोई बात नहीं। जी अच्छा। चिपकली कैसी हो? मैंने कहा था ना आपसे चिपकली के बारे में, ये वही है। हाय। अरे इंग्लिश विंग्लिश नहीं जानती, आइए। हाय। माँ, यही अंजलि है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी। गौरी कहाँ है माँ? जानता है, उसने आजकल एक नई बात सीख ली है। वो क्या? शर्माना।
अच्छा ये बात है, फिर तो फौरन देखना पड़ेगा। तुम माँ के साथ आ जाना। अंकल जरा ये पकड़ना। हाँ हाँ ला बेटे। बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी हो। माँ जी, महालक्ष्मी तो मैं हूँ ना। गौरी, गौरी, गौरी कहाँ हो तुम? देखो भैया तुम्हारी लिस्ट का सारा सामान ले आया। बेटे ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं आंटी, अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। तुमने मेरी बहन को कहीं देखा? नहीं जी। तुमने कहीं देखा उसे? नहीं तो। अरे ये तो मेरी बहन जैसी लग रही है। आपने मेरी बहन को कहीं देखा? अरे बेटा हा? क्यों उसे चिढ़ा रहा है? गौरी देखो भैया कितने दिनों बाद आया है, देखो ना। क्या कह रही हो माँ, ये अपनी गौरी है, सच कह रही हो? मालूम होता है चंद्रू शहर जाने के बाद हम सबको भूल गया है, है ना चंद्रू? ए छिपकली तू चुप रह। तुम क्या कह रही हो माँ, ये जो शर्मा के खड़ी है ये मेरी बहन गौरी है? ये मेरी बहन गौरी होती तो बकबक करके अब तक मेरी जान खा जाती। बजने लगी शहनाई, मन की खुशी के मारे मेरी बहना शर्माई। झूम नाचो गाओ कम सिन कली हो तुम, चुपके चुपके जवां हुई। चोरी चोरी साजन की दिल में तमन्ना छुपी हुई। होगी भैया से जुदाई, नैना भर आएंगे। सखियों को न बुलाना, ससुराल में जाके तुम। राखी के बंधन को हर साल निभाना तुम। पंछियों के ये राग सारे मंत्र सुनाएंगे। ए वादियों के ये फूल सारे खुशबू उड़ाएंगे। झूम नाचो गाओ चोरी चोरी सिन कली हो तुम, चुपके चुपके जवा हुई। सुहाने आंखों में समाए, आंचल भी लहराया। मन ही मन हर साए मुस्काए फूलों से। दिल मेरा ना भूले वो बातें बचपन की।
संग जाके कभी ना भूलेगी भैया को झुमना चुगाओ। शहनाई मन की खुशी के मारे मेरी बहना शर्माई झुमना चुगाओ। कम सिन कली हो तुम चुपके चुपके जवां हुई चोरी चोरी साजन की दिल में तमन्ना छुपी हुई। कम सिन कली हो तुम चुपके चुपके जवां हुई चोरी चोरी साजन की दिल में तमन्ना छुपी हुई। ठीक 6 बजे बारात आ जाएगी, तुमने जैसे चाहा वैसे ही धूमधाम से शादी हो जाएगी। बहन की शादी तो धूमधाम से करा रहे हो, अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? जरूर सोचा है माँ, तभी होने वाली बीवी के लिए ये रेशम की साड़ी लाए हैं। बहुत अच्छा किया तूने, अब अपने हाथों से दे देना, खुश हो जाएगी। बाद में देता हूँ माँ। दे देना। ठीक है। ये लो भैया। आप अपने हाथों से मेरी मंगेतर को दे दीजिए। बददिमाग शरीर लड़की है पर भोली भाली है, मुझसे बेहद प्यार करती है और मैं भी उसे चाहता हूं। महालक्ष्मी आओ, इनसे साड़ी लो। शर्मा रही थी तब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब देखो भैया किस तरह शर्मा रहे हैं। अब तुम बताओ अंजलि, अपनी शादी की दावत तुम कब दे रही हो? ये इतना आसान नहीं है माँ, इनके काबिल लड़का भी तो मिलना चाहिए। क्या कमी है उसमें? वो सुंदर भी है, सुशील भी, मुझे से भी चाहेगी, वो उसे जरूर मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई है तो मुझे बताइए, मैं जाके उससे बात करूंगा। वो अगर सीधा साधा है तो चंद्रशेखर बन के बात करूंगा, और अगर वो टेढ़ा किस्म का है तो आजाद बन के जाऊंगा। ठीक है। दाऊद भाई, हमारी फाइनेंस कंपनी में पैसे डिपॉजिट करने वालों की लिस्ट। सुना नहीं, ये मंगलसूत्र गहने भिजवाए। ठीक है, दे दो। चलता हूँ। तुम जाओ, मैं आती हूँ। अरे भाई जल्दी लगाओ, बेटा इसे पूजा कमरे में रख दो। ठीक है माँ। संभाल के। हाँ शांता। भैया 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 एक मिनट रुको। क्या है ये मिठाई? खाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए। अरे नहीं बाबा, नहीं चाहिए, बोला ना आपको। खाओ ना।
अरे ये पकड़ो। मैं कहाँ हूँ, मुझे ढूंढो तो सही। ओहो गौरी, ये खेलने का वक्त नहीं है, जल्दी आओ। वाह 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 वाह, आज तक तो तुम ही जीतते थे ना, आज मैं जीत के दिखाऊंगी। गौरी, उस गहने के डब्बे में बम है, कहाँ हो तुम? हमेशा की तरह मुझसे झूठ बोल के मुझे हराना चाहते हो, मैं तुम्हारी बात में नहीं आऊंगी। गौरी गौरी, मेरी बात मानो, जल्दी आओ। गौरी भैया की बात मानो, गौरी बाहर आ जाओ। तुम सब मिलके मुझे धोखा देना चाहते हो, नहीं आऊंगी। अपने कान पकड़ के बुलाओ, तभी मैं आऊंगी। मैं कान पकड़ता हूँ, बाहर आओ बहन। अब उठक बैठक करो, तब मैं आऊंगी। लो उठक बैठक भी किया, अब तो आओ। गौरी गौरी गौरी, ये सबके सामने क्या कर रही है तुम? बाहर आ जाओ, बाहर आओ प्लीज। तुम हार मान जाओ, तब मैं आऊंगी। मैं हार गया हूँ गौरी, बाहर आ। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, जरा जोर से बोलो, तब आऊंगी। मैं हार गया हूँ, बोलो ना, बाहर आओ। मैं जीत गई। गौरी, मैं गौरी जीत गई। गौरी, फेंक दे। गौरी, डब्बा फेंक दे। गौरी, मुझे मेरी बेटी की शक्ल दिखा दो। माँ को ले जाओ, ले जाओ इसे, ले जाओ माँ को, ले जाओ यार। अरे बेटी, तू जा माँ, तू जा माँ। तू रो रहा है आजाद, रो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो। जो आदमी अपनी बहन को नहीं बचा सका, वो इस मुल्क को क्या बचाएगा? हा? मैं अपने वतन वापस लौट रहा हूं जिहाद को जारी रखने के लिए। अगर तू बहादुर है, हिम्मतवर है, हिंदुस्तानी होने का अगर इतना ही गुरूर है तुझमें, तो आके रोक मुझे, आजाद बनकर मुकाबला कर मुझसे। गाड़ी नंबर 3009 डाउन हावड़ा जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। ये गाड़ी 10:15 पर रवाना होगी। धन्यवाद। योर अटेंशन प्लीज। कलकत्ता जाने वाली हावड़ा मेल का किसी ने हाईजैक किया है। ड्राइवर सहित 4 लोगों की लाश मिली है। उस गाड़ी में 1200 पैसेंजर हैं। वी आर इन डीप ट्रबल। सर, यस, दाऊद का फोन है। ऑफिसर्स, ये गाड़ी हावड़ा नहीं जाएगी, बल्कि अमृतसर होकर मेरे मुल्क लाहौर जाने वाली है। हाँ, With all the passengers, तुम्हें 3 घंटे की मोहलत देता हूं मैं। तुम्हारे जेल में कैद हमारे मौलाना मोहम्मद अख्तर और दूसरे 26 मुजाहिदीन और साथ साथ 5,000 करोड़ अमरीकी डॉलर्स लेकर तुम्हारा कोई आदमी मेरे पास आएगा।
उसके बाद जिन जिन स्टेशनों से ये गाड़ी गुजरेगी एक एक बोगी छोड़ दूंगा और आखिरी बोगी लाहौर बॉर्डर के पास छोड़ दूंगा। ओके हाँ, 3 घंटों में मेरी मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो हर एक घंटे में एक एक लाश तुम्हें मिलती जाएगी, समझ गए? नॉनसेंस, शीयर नॉनसेंस। उन 12 मुसाफिरों को मारने की धमकी के डर से उन 26 आईएसआई एजेंटों को छोड़ दिया तो वो 26 उग्रवादी कल 2600 लोगों को मार डालेंगे सर। आज किसी फ्लाइट या ट्रेन को हाईजैक करके कश्मीर की मांग करने वाले वो लोग कल कन्याकुमारी की मांग करेंगे, फिर मुंबई की मांग करेंगे, उसके बाद दिल्ली मांगेंगे तो दे देंगे सर। अगर उनकी मांगे मंजूर है तो इतना बड़ा देश किस लिए, हमारी फौज किस लिए, इस देश में हम पुलिस वाले किस लिए और हमारी मर्दानगी किस लिए सर? प्लीज प्लीज गिव मी अ चांस, गिव दिस यूनिफॉर्म अ चांस। दाऊद, तुम्हारी मांग के मुताबिक रकम और तुम्हारे आदमियों को लेकर आया हूं। पहले उस ट्रेन से औरतें, बच्चों और बुजुर्गों को रिहा कर दो। अगर तुमको हम पर भरोसा नहीं है तो हम निहत्थे तुम्हारे सामने आने के लिए तैयार हैं। अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दे। Ask them to drop their guns. सलीम, मुसलमान, एक मुजाहिदीन को बंदूक दिखाने वाले तुम मुसलमान हो? मुसलमान जरूर हूं, लेकिन पहले मैं एक भारतीय हूं। आई एम एन इंडियन फर्स्ट। मुसलमान का मतलब जानता है तू? औरतें, बच्चे, बेगुनाह और कमजोर इंसानों को मारने वाले का नाम मुसलमान नहीं होता। दरगाह और मंदिरों में बम रख के मासूम लोगों को मारने वाले का नाम मुसलमान नहीं होता। मुसलमान का मतलब है मुसल्लुल ईमान। बेगुनाह और कमजोरों को जालिमों से बचाने वाला है सच्चा मुसलमान। ऐसा मुसलमान तेरे मुल्क में है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे देश में जरूर है। मेरे देश के बारे में क्या जानता है तू? इस देश की गली गली में एक मस्जिद मिलेगी, पर तेरे मुल्क में नाम के लिए भी एक मंदिर है? हमारे इस भारतवर्ष में मुसलमान प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तेरे मुल्क में क्या एक हिंदू वार्ड मेंबर भी है? हमारे देश में चीफ जस्टिस मुसलमान रह चुके हैं और तेरे मुल्क में हिंदुओं को कभी एक वकील भी बनने दिया है? ये सब क्यों? 100 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में क्रिकेट टीम के कैप्टन मुसलमान रह चुके हैं, पर तेरे मुल्क में कोई हिंदू किसी क्लब से खेलता है? तू एक बात जानता है, भारत माता की सुरक्षा के लिए एटम बम बनाने वाला एक मुसलमान है। हमारे अंदर देशभक्ति जागृत करने वाले गीत वंदे मातरम को हाल ही में एक मुसलमान ने संगीतबद्ध किया। कारगिल में मरने वाले पाकिस्तानी फौजियों को बाइज्जत इस्लामिक रिवाजों के मुताबिक दफनाने वाले फौजियों का देश है ये। अपने ही फौजियों की लाश को अपनाने से इनकार करने वाले तुम लोग सच्चे मुसलमान नहीं, ढोंगी हो तुम लोग। हमारे देश में मजहब से ज्यादा इंसानियत की अहमियत है। एक मुसलमान से इंडियन मुसलमान कहलाने में मुझे फख्र है। पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों का यहां प्यार और इज्जत से स्वागत किया जाता है और वो अपनी मर्जी से कहीं भी घूम फिर सकते हैं। ये बात तू जानता है या नहीं, तेरे मुल्क के लोग जानते हैं या नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है या नहीं, लेकिन जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं वो खुदा जानता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। यानी अभी या तो मुझे मरना है या तुझे मरना है, है कि नहीं? पूरे 1200 पैसेंजर्स इंडियंस, अब बोलो किसे मरना है? नो नो, सलीम, इंडियन अब इस पाकिस्तानी गोली का शिकार होने वाला है। तेरा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैं पाकिस्तानी गोली से नहीं, हिंदुस्तानी गोली से मरूंगा। जय
बचेगा दाऊद। इस देश को तुझसे बचाने के लिए एक हिंदुस्तानी जरूर आएगा। हम और खतरा नहीं उठा सकते। होम मिनिस्ट्री से उन 26 उग्रवादियों को छोड़ने का हुक्म आया है। हे, हे, तुम हमें क्या कैद करोगे? हमारा बाल भी तुम लोग बाकान नहीं कर सकते हो। छापो, फ्रंट पेज पर छापो, हमें कैद करने चले थे। वो देखो दाऊद भाई। अरे दाऊद भाई, अरे आपकी बोला तमाशा दोगे। कोई गाड़ी के अंदर घुस के अपने आदमियों को मार रहा है। आजाद, होली खेलते होली खेलते आजाद कहाँ है? आजाद, आजाद। इसी वक्त मैं तुझे मार सकता हूं, लेकिन नहीं मारूंगा। मैदान जंग की मौत फौजी के लिए शान होती है, वो मैं तुझे नहीं दूंगा। तुझे जीना होगा, मुझे जीत हासिल करते हुए तुझे देखना होगा। आजाद आजाद कह के नारे लगाने वाली दुनिया तेरे मुंह पर थूकने लगेगी, उनकी थूक में तुझे डूबना होगा। बहादुर है ना तू? साथ ये मुल्क भी आज मेरे पैरों तले पड़ा है।
जिस तरह मैंने तेरी बहन का खात्मा किया उसी तरह इस मुल्क का भी खात्मा करूंगा। आज पूरी दुनिया के आंखों के सामने तुम हिंदुस्तानियों का गुरूर, तुम्हारी इज्जत, हिंदुस्तानी होने का घमंड, तुम्हारी खुददारी, इन सब का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। ए गाड़ी निकल, चलो चलो गाड़ी चलो 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 चलो। आजादी की आन के लिए, भारत माँ की शान के लिए, वीर करोड़ों हिंदुस्तानी जान की दे देंगे कुर्बानी। जब जब भारत माँ के ऊपर दुश्मन ने गोला बरसाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपना खून बहाया, वीर करोड़ों हिंदुस्तानी जान की दे देंगे कुर्बानी। आन के लिए भारत माँ की शान के लिए, वीर करोड़ों हिंदुस्तानी जान की दे देंगे कुर्बानी। जब जब भारत माँ के ऊपर अरे किसने बंद कर दिया, अरे अरे दरवाजे किसने बंद कर दिया, अरे खोलो, अरे खोलो, अरे खोलो खोलो, अरे खोलो जान की दे देंगे कुर्बानी। कांधार में हमने जो भूल की वो भूल अब नहीं होगी। जिन उग्रवादियों को तुम छुड़ा कर ले जा रहे हो उनकी मंजिल पाकिस्तान नहीं। हमारे तिरंगे को सैल्यूट करने वाले इन हाथों ने अगर बंदूक उठा ली तो तेरे पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। अभी तक 3 एटम बम फोड़ने का गुरूर है ना तुम लोगों को, जरूरत पड़ने पर हम 100 करोड़ भारतवासी एक एक एटम बम बन के फूटेंगे। बर्दाश्त कर सकोगे? तेरे मुल्क की आजादी का वजूद हमारी दी गई भीख है। भीख लेने वाले को इतना घमंड है तो भीख देने वाले को घमंड क्यों ना हो? आजादी की आन के लिए, भारत माँ की शान के लिए, वीर करोड़ों हिंदुस्तानी जान की दे देंगे कुर्बानी। जब जब भारत माँ के ऊपर तूने मेरी बहन की जान तो ले ली, लेकिन आज के बाद इस देश में तो जैसे उग्रवादियों के हाथों से एक भी जान जाने की नौबत नहीं आएगी। अब जा जहां जाना है। आजाद आजाद चंद्रू, आजाद आजाद आजाद। बंद कीजिए। किस लिए, किस लिए आजाद आजाद कहकर नारे लगाते हो? सच्चा आजाद मैं नहीं हूं, आजाद तो तुम सबके अंदर है। अपने अंदर छुपे हुए उस एहसास को जगाओ और तुम सब आजाद बन के दिखाओ, तभी देश में शांति और अमन कायम होगा, उन्नति होगी। आजाद तो एक विश्वास का नाम है, वो विश्वास मिटना नहीं चाहिए, आजाद का अंत नहीं होना चाहिए।